जब से मोदी सरकार ये तीन ऑर्डिनेंस खेती के जो कि अब बिल की शक्ल ले चुके हैं ये लेकर आई है, तो तब से पूरे पंजाब में लोग जो है जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण उनके सभी के प्रदर्शन है। तो ढाई तीन महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके बाद जब उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया 26 और 27 नवंबर को, तो काफले लेकर वो ट्रैक्टर लेकर अपना राशन पानी लेकर चले, तो अचानक से शंभू बॉर्डर पर, टोहाना बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर, रेवा बॉर्डर पर, जो बीजेपी सरकार जो हरियाणा की है उन्होंने पुलिस को जो ऑर्डर दिए, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज किया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। किसानों को पूरा हक है कि वो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाके प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका जो है वो रामलीला मैदान में करने वाले थे। तो अभी क्या है, लाखों की गिनती में पूरे देश से किसान जो है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं और बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार से 6 स्टेडियमों को जेल बनाने की इजाजत मांगी कि हमें इनको जेल बनाना है, किसानों को गिरफ्तार करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार ने उनकी ये अर्जी जो है वो खारिज कर दी, ये कह के कि शांतिपूर्ण जो है उनका प्रदर्शन है, तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का सभी को हमारे संविधान में अधिकार है, तो इसलिए क्यों जेल बनाने की इजाजत दी जाए। तो नंबर तीन पे हम ये भी कहना चाहते हैं कि जितने भी किसान वहां पहुंचेंगे, कुराड़ी का जो ग्राउंड है वहां पे जहां उनको परमिशन मिली है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से उनका रहने का, खाने पीने का, हालांकि उनके पास खुद का बहुत सा राशन है और कोई खुदा न खास्ता कोई उनको हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, चाहे वो सैनिटाइजर हैं वो बांटने हो, चाहे उनको कोई और भी कोई मेडिकल उनको एड देनी हो, आम आदमी पार्टी जो है वो, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की, वो किसानों के लिए बिल्कुल खुले दिल से वहां पे उनका स्वागत करेगी, उनकी सुविधाओं का ख्याल रखेगी और उनका हक है, क्योंकि आम आदमी पार्टी खुद एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, इसलिए आम आदमी पार्टी को आंदोलनकारियों की भावनाओं का पता है, उनके इमोशंस का पता है, हम उनकी भावनाओं की कदर करते हैं। और ये काले कानून जो मोदी जी लेके आए हैं और इनको सदन का विशेष सत्र बुलाकर वापस लेने की हम मांग करते हैं, और जहां तक भी जाना पड़ा हम पहले दिन से ही, जब से ये ऑर्डिनेंस आए थे जून में, तब से ही आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में किसानों का साथ दे रही है और आने वाले दिनों में भी किसानों के साथ हम खड़े रहेंगे।